दोस्तों, सतना कलेक्टर कटेसरिया जिस अंदाज में यहां ज्वाइन करने आए थे, उस विषय को लेकर मैंने पहले ही एक समाचार, एक वीडियो आपके सामने रखा था। आज वह बात सच नजर आ रही है। सतना कलेक्टर कटेसरिया से कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी किसी भी काम के लिए मिलने जा रहे हैं, तो कटेसरिया सीधे शब्दों में कहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी मेरे पास काम लेकर मत आए। अगर उसे अपना काम कराना है तो वह कांग्रेस जिलाध्यक्ष के माध्यम से आए। अब हर कांग्रेस के पदाधिकारी को कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पास जाना पड़ेगा, और कांग्रेस जिलाध्यक्ष चाहेंगे तब वह कलेक्टर के पास जाएंगे और तब जाकर उनका काम होगा। और यह भी सुनिश्चित नहीं है कि जिलाध्यक्ष के जाने के बाद उसका काम होता है या नहीं होता है। यह अंदेशा 100% सच साबित हुआ। कई कांग्रेस पदाधिकारी यह बताना चाह रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, सार्वजनिक रूप से वह कह रहे हैं कि जब हम कलेक्टर के पास मिलने गए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी हमारे पास काम लेकर नहीं आए। अगर उसे काम कराना है तो वह सीधे कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पास जाए। दोस्तों, यह व्यवस्था क्या पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने लागू की है या यह प्रयोग सिर्फ सतना जिले में ही हो रहा है? मैंने पहले ही अंदेशा जाहिर किया था कि कुछ नेताओं को कमजोर करने के लिए क्या सीएम कमलनाथ ही एक साजिश रच रहे हैं, एक साजिश के तहत वह काम कर रहे हैं? क्या यह प्रयोग सतना कलेक्टर के माध्यम से सिर्फ सतना में ही किया जा रहा है या पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है? क्या पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम कांग्रेस की जिलाध्यक्षों के माध्यम से होंगे? अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो ठीक है, लेकिन अगर यह प्रयोग सिर्फ सतना के माध्यम से हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के कुछ नेताओं को कमजोर करने के प्रयास चल रहे हैं, और यह प्रयास ऊपरी लेवल से सीधे कमलनाथ से होकर सतना पहुंच रहे हैं। मैं रम्मू सिंह, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।